बाल्यकाल में रामदेव जी महाराज ने माता मैना दे से क्या कहा, हे मां बालपना में रामदेव जी और मन में एक विचारी मन रे भायो घो मैं चढ़ने करूं रे रे सवारी। तो रामदेव जी महाराज माता मैना दे से बोले, हे मां हे मन घोड़ लियो मंगवाई मारी मां मन घोड़ लियो मंगवा मैंने सुखना रे साथ दर्जी ने बुलवावे
मारी मां मने घोड़लियो ए घोड़लियो ए घोड़लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़लियो मंगवा मने घोड़लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़लियो मंगवा घोड़लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़लियो मंगवा मने घोड़लियो मंगवा।
दर्जी को किस प्रकार पर्चा दिखाया। दर्जी ने कपड़े का थोड़ा लाकर रामदेव जी महाराज को दिया और रामदेव जी महाराज उस कपड़े के घोड़े पर अस्वार होकर आकाश में उड़ गए। अजमल जी को और माता मैना देखो चिंता होने लगी कि जरूर हो ना हो ये दर्जी कोई जादू का घोड़ा लेकर आया है और मेरे इस बालक पर अपना जादू करना चाहता है। अजमल जी ने उस दर्जी को कैद करवा दी। दर्जी ने कैद में रामदेव जी महाराज को याद किया, हे प्रभु मुझसे कोई प्रकार की भूल चूक आप क्षमा करें और मुझे यहां से रिहा करें। तो रामदेव जी महाराज ने दर्जी को किस प्रकार पर्चा दिखाया। अरे दर्जी ने परचो दिखलायो रामदेव अवतारी, दासी सुख सुनावे बाबा सुन लो अर्जी मारी। घोड़ा उड़ता उड़ता धोरारी धरती में गया। किस प्रकार हे घूमे घोड़ लियो, हे घूमे घोड़ लियो, हे घूमे घोड़ लियो बाबे रो मारे घोड़ा बाहरे देश घूमे घोड़ लियो। जोदाना से होकर सुगना भाई के ससुराल पहुंचा। अरे धोरारी मरुधररी, धोरारी धरती पर यो तो उड़ी
यो आवे रे घोड़ो मारे पावे रो ए घोड़ो मारे बाबारो घोड़ो पीरारो बोले अजमन भरा तारी की।